हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और आपका मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। और अपने आप को स्वस्थ ना भी हो तो स्वस्थ रखने का प्रयास करें, मन को कहें ऑल इज वेल। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। क्या कार्ड्स आते हैं देखते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आज हमें हमारे एंजल्स, प्रभु, ईष्ट देव, कुछ भी कहिए उनको, कुछ भी कहिए उनको। देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, एंजल्स आपको यही हिदायत दे रहे हैं, आपको एक हिदायत को क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है? आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप जो भी काम करें, जो भी आप प्रोग्राम या कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लें, उसको थॉटफुलनेस के साथ करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि हमारी सोच ही, हमारा एक थॉट प्रोसेस ही हमें सफलता और असफलता दिलाता है। जब हम अपने आसपास के माहौल में अच्छे से उसको परखते नहीं हैं, जान नहीं पाते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा परेशानी में आ जाते हैं। हम इसमें थॉटफुलनेस में और इंटेलिजेंस में थोड़ा फर्क होता है। आप थॉटफुलनेस के साथ काम करिए, सोच समझ के काम करिए, बट इंटेलिजेंट होके काम करिए। अब इंटेलिजेंट वो होता है, किसी का सोच विचार बहुत अच्छा है, एक इंसान कोई होता है बहुत अच्छा होता है, मन का बहुत अच्छा है, सोच समझ का बहुत अच्छा है, बट वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट वो इंसान होता है जो स्मार्टली अपने आसपास के पूरे माहौल की जानकारी रखता है कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा भला नहीं चाहता है, कौन हित चाहता है, कौन अहित चाहता है। ये बात कोई बताएगा नहीं, ये हमारी इंटेलिजेंसी ही काम यहाँ करती है कि हमें खुद ये समझ में आए। और अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आपका इंट्यूशन काम करता है, इंट्यूशन इसमें बहुत काम करता है, इंटेलिजेंस में इंट्यूशन बहुत काम करता है। आपको इतनी सी जानकारी मिली, आपने उसको अपने माइंड में प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आपने उसका एनालिसिस करके पूरे का पूरा सच अपने दिमाग में सेट कर लिया। और जो इंट्यूशन के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ आप उस इतनी सी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद जो आप एक अपना विचार बनाते हैं, जो आप एक उसका विश्लेषण करके एक एंडेड रिजल्ट पर पहुंचते हैं, विश्वास करिए, जानिए मेरी इस बात को, वही बात होती है और वही बात आगे चल करके सामने पूरी दुनिया के आती है। तो इसलिए इंटेलिजेंट होने में और थॉटफुलनेस में अंतर है। सोच समझ से तो बहुत लोग अच्छे होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। इंटेलिजेंट वही व्यक्ति है जो अपने आसपास के माहौल को जानकर, समझकर और 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति की स्थिति को समझ जाए कि उसके साथ ये हो रहा है या वो मेरे साथ ये करने वाला है। उस प्रोसेस को समझने का प्रयास करिए। और ये इंट्यूशन से होता है,
आपकी अंदर से इंट्यूशन जब काम करती है, जब इंट्यूशन आपको एक मैसेज अंदर से देती है, उस इंट्यूशन को फिर आप अपने माइंड में प्रोसेस करिए, पूरा उसका क्या कहेंगी मैं अगर कहूँ कि पोस्टमार्टम कर डालिए उस बात का, तो आपके सामने रिजल्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। खैर ये बात हो गई, अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकली काम करिए, हवा हवाई काम मत करिए, धरातल पे काम करिए, प्रैक्टिकली काम करिए, और अपने पेरेंट्स की पैसे को मत उड़ाइए। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप एक ग्रेसफुली, मतलब ग्रेसफुली को हिंदी में क्या कहेंगे कि एक सम्मानित ढंग से जो है, या कहें कि ग्रेसफुली डिप्लोमेसी के साथ। आज के कार्ड जो है ना, पहला कार्ड ही ये बता रहा है कि प्रभु जी हमारे ईष्ट देव या हमारे एंजल्स या यूनिवर्स हमें ये सिखाने का प्रयास कर रहा है, ये हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, ये बताने का प्रयास हो रहा है कि हम अपने इन्नर को नेचर के साथ कोलैबोरेट करें, नेचर के साथ जुड़ें। और उसके बाद क्योंकि देखिए कोई भी घटनाक्रम होना हो, वो पहले यूनिवर्स में बन जाता है, बनने के बाद हमें मौका मिलता है, हमें कुछ संकेत मिलते हैं। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है कि प्रभु की जो भाषा है या परमात्मा की जो भाषा है या यूनिवर्स की जो भाषा है, वो ऐसे सामने आके लैंग्वेज से नहीं बोलते हैं, नहीं, उनकी संकेतों की भाषा है। मेरी एक पुस्तक है जो मैंने लिखी है, उसमें मैंने इसका अच्छे से व्याख्या की है कि प्रभु की भाषा क्या है या यूनिवर्स की भाषा क्या है, उनकी भाषा संकेतों की है। तो हमें इंटेलिजेंटली वो संकेत पकड़ने होते हैं। वो संकेत हम कैसे पकड़ेंगे? जब हम अपने आप को नेचर से जोड़ेंगे, क्योंकि हम भी नेचर का एक अंश है छोटा सा। इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ मैं, पृथ्वी लोक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। ब्रह्मांड में हर चीज़ पहले सेट हो जाती है, उसके बाद वो हमारे जीवन में घटित होती है। तो जब वो बनती है, बनने में, बन जाने में और हमारी लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंट होने में जो गैप होता है ना, गैप, उस गैप में अगर हमने उस घटना को पकड़ लिया तो हम बच जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यही काम ज्योतिष का है, हम अगर अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, यही काम टैरो का है, यही काम नेचर से अगर आप जुड़ कर करते हैं तो आपको नेचर पहले से ही इनर सोल में आपके वो सीड डाल देती है, बीज डाल देती है कि कॉन्शियस थम जाए, अब ज़्यादा ऊंची उड़ान मत बने। खैर ये बात तो अलग हो गई। अब हम जिस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ते हैं, आपको ज्ञान की प्यास है, अब आपको नॉलेज की थर्स्ट है, नॉलेज की प्यास है, तो अब आप जिस फील्ड में भी हैं उसकी पूरी जानकारी लीजिए, वहाँ उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, बुक्स का अध्ययन कीजिए, जहाँ आपकी फील्ड में कोई बड़ा मतलब एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ जा कर के देखिए, वहाँ के अधिकारियों से बात कीजिए, ताकि आपको अपनी फील्ड में काम करने में कोई दिक्कत ना आए और आपको जो नॉलेज का आपका एक अपनी जिज्ञासा है नॉलेज की, वो नॉलेज की जिज्ञासा आपको शांत करनी होगी। सब लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, बहुत लोगों से मिलिए, बहुत लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, आपको फ़ायदा देगा। लोगों से मिलना जुलना और कम्युनिकेट करना आपको बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, आप इसको करते रहिए। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप चाहे परिवार हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या सर्विस में हो, एनी हो, कहीं भी आप हो, आपको अपनी एबिलिटीज
शो करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी। तो जब आपकी अबिलिटीज को अप्रूवल मिल जाएगा, आपकी अबिलिटीज को जब अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आपकी बल्ले बल्ले, फिर आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। फिर आप पर अभी आपको अपनी एबिलिटी अप्रूवल के लिए लोगों के सामने रखनी होगी, तभी उसका अप्रूवल मिलेगा। आप अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता साबित करें और फिर सबका प्यार पाएं, फिर आप अपने जीवन के विकास के ऊपर सरपट दौड़ेंगे। लेकिन ये सारा जो आपने एबिलिटी भी, अपनी योग्यता जो आपने साबित करनी है, वो टीम वर्क के साथ होगी। इसमें आपकी मैनेजमेंट भी देखी जाएगी कि आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपनी टीम से काम निकलवाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है, दूसरों से काम लेना। दूसरों से काम लेना एक बहुत बड़ी योग्यता है अपने आप में, बहुत बड़ी एबिलिटी है अपने आप में, या ये कहें कि बहुत बड़ी खूबी है दूसरे से काम निकलवाना। और बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी झगड़े के, शांतिपूर्ण प्रसन्नता के साथ सामने वाला दौड़ दौड़ के काम करे, ये भी अपने आप में एक एबिलिटी है, हैं? तो आगे देखें क्या है। टीम वर्क के साथ जब वो काम करेंगे तो आपको, आपकी टीम के जो अदर मेंबर्स हैं, हो सकता है कि वो कहीं और जगह से आपको कोलैबोरेशन के लिए आपको कहें कि वहाँ ऐसा है, आपको दिखिए, तो उस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, उनकी बात के ऊपर गौर करिएगा, गौर जरूर करिएगा, 100% उस बात को मानिएगा। फैसला लेना आपका काम है, आपको कितनी बात उस कोलैबोरेशन में पसंद आती है, कितनी नहीं आती है, वो बात की बात है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा सुझाव देता है तो उस सुझाव के ऊपर विचार और अमल करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद आपकी फैमिली में भी हमें लग रहा है कि कोई किलकारी गूंजने वाली है, कोई मेहमान नया आने वाला है, नन्ना मुन्ना सा आपका परिवार जो है विस्तार को प्राप्त होगा, और उसमें आपका और आपके परिवार में डिवाइन लव है, परमात्मा का आशीर्वाद है। उस शांति को, उस प्रेम को, उस लव को बनाए रखिए और परमात्मा आपके घर में सुख शांति और अधिक से अधिक दे, समृद्धि भी दे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और है भी कार्ड्स में, ऐसा है भी। और ब्लिसफुल लाइफ, रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे हैं, हारमोनी है, और सबसे बड़ी बात है कि अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट है। और इसके बाद, इसके साथ और क्या है, आप बहुत अच्छे ड्रीमर हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि आपको अपनी इंटेलिजेंसी के उसको भी डेवलप करना होगा, तो आप करेंगे। और कार्ड्स कह रहा है कि आप ड्रीमर हैं, तो आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो बरकरार है आपके अंदर। अगर वो सुसुप्त अवस्था में है तो आप उसको जगाने का प्रयास करें, है तो आपके अंदर। और आप बड़े अच्छे, क्रिएटिविटी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो अपने गुण तो बहुत है, गुण बहुत है, बस उस गुण को एक 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 मार्गदर्शक की ज़रूरत है, और आपके उन गुणों को और डेवलप करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, किसी जो इस फील्ड में हैं उनका वो लीजिए, क्योंकि आप बहुत आगे जाने वाले हैं इसके साथ। हाँ, बहुत आगे जाने वाली हैं। इमेजिनेशन भी आपका अच्छा है, इंटेलिजेंसी भी आपकी अच्छी है, आप ड्रीमर बहुत अच्छे हैं, आप अपनी कल्पना को साकार करने का मादा रखते हैं और आप साकार करेंगे भी। हाँ, तो कोई रिग्रेट मत करिए, खुशी से चलिए, जो बीतना था सब बीत चुका, वो अब आगे सॉरो, रिग्रेट, दुख, आंसू, अब कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। आप उन सब पुलों को पीछे तोड़ कर आगे दौड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा है आया आज का रीडिंग, मुझे बड़ी अंदर से सुकून मिलती है जब मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।